नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाई से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिताची का एसी है, इसका हम ऊपर वाला जो कवर है आपको खोलना सिखाएंगे और लगाना सिखाएंगे, और कैसे इसके जो फिल्टर है वो साफ़ करने हैं, उसको कैसे खोलेंगे और लगाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप कवर उठा लीजिए। अगर आपको ये कवर उठाना नहीं आता तो बहुत ही सिंपल है, पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है। इसमें आप सिंपली अपनी उंगली फंसाएं और बाहर की तरफ खींच लें, और दूसरी साइड भी ऐसे ही बना होता है। दोनों साइड खींच के आप कवर को ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक स्लॉट बना हुआ है, ये यहाँ पे फंस जाता है ताकि जो कवर नीचे ना आए। तो फिल्टर को खोलने के लिए दोस्तों आप सिंपली बस फिल्टर को ऊपर उठा लेंगे, आप देख सकते हैं, बस सिंपली आपने फ़िल्टर को खींच लेना है और ये फ़िल्टर बाहर आ जाएंगे। कई लोग दोस्तों ऊपर से खींचने की कोशिश करते हैं, ऊपर से नहीं आते हैं, ये सामने से ही निकलते हैं। और दोस्तों उसके कवर को खोलने के लिए यहाँ पे स्क्रू बने हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 6 स्क्रू इस बॉडी पे होते हैं और एक स्क्रू साइड पे होता है, तो हम सभी 6 स्क्रू को खोल लेंगे। दोस्तों यहाँ नीचे मैंने यहाँ पे लॉक लगे होते हैं, खोल दिए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ध्यान से। तो आप देखेंगे इसको दोस्तों, यहाँ पे एक निशान बना हुआ है, तो इस पर दोस्तों ऐसा एक लॉक बना होता है पहले, तो जिसको हमने बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ये सिंपली लग जाएगा और इसको प्यार से हम खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से ये खुल जाएगा। तो सभी नीचे वाले स्क्रू भी हम खोल देंगे। टोटल इसके 6 स्क्रू होते हैं और एक साइड पे होता है, 7 स्क्रू होते हैं इस पर। और दोस्तों 6 के 6 स्क्रू हमने खोल दिए हैं, और आप देख सकते हैं एक यहाँ पे साइड पे बना होगा, ये भी आपने खोलना है। तो ये बॉडी के साथ अटैच होता है, इसको खोलना बस बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो स्क्रू को खोलने के बाद आप यहाँ पे एक पकड़ने के लिए एक टाई की टाइप बना हुआ है, इसको उठाएंगे और नीचे से आप देखेंगे ध्यान से, इसको आपने बहुत ही आराम से ऊपर की तरफ उठा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान था यहाँ तक। तो आगे हम देखते हैं इस कवर को, हम खोलेंगे कैसे ये कवर बाहर आएगा। तो ऐसे आप खींचना नहीं है आपने बिल्कुल भी, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों बॉडी के ऊपर वाली साइड में देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों लॉक बने होते हैं, आपके एसी में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। एसी में 204 है, ये न्यू मॉडल है, 2021 का मॉडल है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक बने हुए हैं। इस लॉक को दोस्तों खोलने का तरीका भी बताऊंगा आपको मैं। तो पहले मैं तो दिखाऊंगा कि लॉक काफ़ी जो हार्ड होते हैं, ये हाथ से बिल्कुल नहीं खुलेंगे आपसे, अगर इसको ज़्यादा जोर लगाओगे टूट भी सकता है ये। हमने काफ़ी इसको हल्का सा जोर लगाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी लॉक जो है इसका बाहर नहीं आ रहा है। तो आपको इस लॉक को खोलने के लिए सिंपली ही एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत ही आसान है। तो सिंपली दोस्तों आपके पास एक पेचकस होना चाहिए, ब्रीक पेचकस हो तो ज़्यादा बढ़िया है। आपने सिंपली इस लॉक को अंदर की तरफ प्रेस करना है, बस प्रेस करोगे तो ये लॉक बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही छोटा पेचकस है हमारे पास, बस इसको अंदर की तरफ प्रेस करोगे और बॉडी को ऊपर की तरफ उठा लोगे तो आपकी बॉडी के लॉक जो है खुल जाएगा। ऐसे लॉक दोस्तों टूटेगा भी नहीं और बहुत ही बढ़िया आसानी से खुल जाएगा। तो ऐसे हम दोस्तों सभी इसके लॉक जो हैं खोल लिए हैं, और आप देखेंगे हम इस बॉडी को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो लॉक खोलने के बाद सारे हमारे लॉक खुल चुके हैं, स्क्रू खुल चुके हैं, तो सिंपली आप कवर को उठाओगे तो कवर ये बाहर आ जाएगा। तो बहुत ही दोस्तों सिंपल है इसका कवर खोलना, बस आपको जो तरीका है वो तरीका आना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी ना करें, धक्का ना करें, नहीं तो एसी के जो लॉक है वो टूट जाएंगे। तो बहुत ही सिंपली हमने इसको खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अब इसकी आप सर्विस भी कर सकते हैं, और दोस्तों फिटिंग के टाइम भी ये बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके काफ़ी स्पेस आपको नीचे मिल जाएगी स्क्रू कसने के लिए, और साइड पे तार लगाने के लिए भी आपको ओपनली स्पेस मिल जाएगी। फिटिंग के टाइम भी अगर आप इस कवर को खोल के फिटिंग करोगे तो बहुत ही आसानी से और बढ़िया फिटिंग होगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको। स्क्रू कसने टाइप जो फ्लेयर हम कसते हैं उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो इसकी वायर है वायर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद दोस्तों मैं इस कवर को लगाना भी दिखाऊंगा, वो कैसे इसको लगाना है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली दोस्तों आपने इसके ऊपर इसको ध्यान से रख देना है, आप देख सकते हैं जहाँ से हवा बाहर आती है यहाँ फ्लैप है, इसको आपने बस ध्यान से इसके ऊपर रख देना है। कोई भी दोस्तों इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली आपने इसके ऊपर इसको आसानी से बैठा देना है। कोई चीज़ आपके बीच में फंसे तो उसको आप ध्यान से देख कर उसको सेट करके तो आप आसानी से नीचे की तरफ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से जैसे बाहर निकला था वैसे ही ये लग जाएगा। और ऊपर की तरफ दोस्तों लॉक हैं, उस लॉक को मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे लगाना है आपने। तो देखते हैं दोस्तों हम
पहले हमने आगे वाली साइड को सेट कर लें। तो ऊपर से हमारा पूरा सेट हो चुका है और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लगाने के टाइम आपने सिंपली बस इसको ऊपर सेट करके हल्का सा प्रेस करना है बस। अब आपने पेचकस का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपली ही आपने इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करते जाना है। तो सभी लॉक लग चुके हैं और सभी लॉक दोस्तों लगाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने लॉक पहले खोला था साइड से, इसको आपने सिंपली इसके अंदर बैठा देना है और ऊपर की तरफ स्क्रू को लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों इसका मैं आपको फ़िल्टर लगाना सिखाऊंगा, कैसे फ़िल्टर लगाते हैं। तो ये वाली साइड आपने ऊपर रखनी है जहाँ पे एक बॉर्डर बना हुआ है। तो सिंपली आपने यहाँ पे निशान स्लॉट बने हैं, इसके अंदर आराम से प्रेस करोगे वो फिट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो आगे स्क्रू हमने खोले थे वो सभी स्क्रू को हम लगा देंगे, तो ये हमारा जो कवर है फिट हो जाएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। और दोस्तों इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे बन चुकी हैं, तो वो भी जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ऐसी ही दोस्तों लगातार हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी बहुत सारी और वीडियो आपको हमारी रेगुलर मिलती रहे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा स्पेशल वीडियोज़ और स्पेशल पोस्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ओनली 29 रुपये पर मंथ का खर्चा है। तो उसमें आपके लिए वो स्पेशल वीडियोस और स्पेशल पोस्ट आपको मिलेंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। थैंक यू।